स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। आज हम बात करते हैं, एक रिक्रूटमेंट है यहाँ पे एम्स का, ऋषिकेश का रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे 700 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश का ये आपका, यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, रेजिडेंट, हाउसकीपिंग स्टाफ और फार्मेसिस्ट और DEO हॉस्पिटल अटेंडेंट की, और शॉर्ट टर्म असाइनमेंट के लिए आपका 3 मंथ के लिए यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो एम्स ऋषिकेश इसकी ऑफिशियल साइट है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं बता दूँ, एम्स ऋषिकेश .edu.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 775 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं आपको आवेदन कैसे करना है, और आपको 31 मई 2021 को इसका इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे वॉक इन है, इंटरव्यू देने आपको जाना पड़ेगा अगर आपको ये जॉब चाहिए। तो यहाँ पे आप सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक आपका इंटरव्यू रहेगा 31 मई 2021 को, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ऋषिकेश, और ये आपके एडवर्टाइज नंबर 1/2021 है। और यहाँ पे जो वैकेंसी थी पहले 700 थी, अब 775 कर दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी जो है 75 वैकेंसीज अब बढ़ा दी गई हैं, 75 वैकेंसीज यहाँ पे प्लस कर दी गई हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं आपकी, आपकी देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपकी नर्सिंग ऑफिसर के लिए है आपकी, और आपका जो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, आपका रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो वॉकिंग जो आपकी डेट है वो आपकी 10 मई से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। 10 मई से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 10 मई से स्टार्ट हो गई आप, और वॉकिंग लास्ट डेट जो है वॉकिंग करने की 31 मई। तो आपको 10 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में आप कभी भी जा सकते हैं, और टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूँ, सुबह टाइमिंग मैंने आपको बता दी, सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक आपको जाना है। लोकेशन आपकी ऋषिकेश रहेगी, एम्स ऋषिकेश .edu.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं इसके और इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे बात करूँ अभी 700 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं, यहाँ पे 700 टोटल वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे आपका जो है 700 टोटल वैकेंसीज है ऋषिकेश की वैकेंसीज हैं, 775 यहाँ पे बढ़ा दी गई हैं, अब 75 वैकेंसी प्लस कर दी गई हैं। तो यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर है उसकी आपकी 300 वैकेंसीज हैं, जूनियर रेजिडेंट की 100 है, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट और स्पेशलिस्ट की यहाँ पे 100 वैकेंसीज हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हॉस्पिटल अटेंडेंट की, तो यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट की 100 वैकेंसीज हैं, हाउसकीपिंग की जो स्टाफ है उसके लिए 100 वैकेंसीज है, फार्मेसिस्ट के लिए आपकी 15 वैकेंसीज है, 15 वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 20 वैकेंसीज है, टेक्निकल असिस्टेंट के 40 वैकेंसीज है, 40 वैकेंसीज है। तो 775 यहाँ पे वैकेंसी, 775 यहाँ वैकेंसीज है। तो एम्स का ऋषिकेश का रिक्रूटमेंट 2021 का ये हो गया है। आप यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का है, ये बीएससी नर्सिंग आप देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग से आप यहाँ पे मांगा गया नर्सिंग ऑफिसर के लिए। अगर बीएससी नर्सिंग है तो आप इस नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड के लिए, जिसे हम कहते हैं स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड। इसके अलावा अगर आप बीएससी नर्सिंग नहीं है, तो आपने डिप्लोमा अगर कर रखा है जनरल नर्सिंग का, मिडवाइफरी का 2 साल वाला, तो आप इसे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो जूनियर रेजिडेंट के लिए आपका MBBS मांगा गया है, तो जूनियर रेजिडेंट के लिए आपका MBBS मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे BSc मांगा गया है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से कम आपके पास 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, जिसमें आपका 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सीनियर रेजिडेंट की बात करें तो PG आपसे मांगा गया है एलाइड मेडिकल ब्रांचेस से। फार्मेसिस्ट के लिए आपका डिप्लोमा आपके पास फार्मेसी का होना चाहिए, तो फार्मेसिस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा फार्मेसी का होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं मांगी गई है, 12th मांगा गया है, और आपने कंप्यूटर नॉलेज हो आपको साथ में। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए केवल 10वीं मांगी गई है, 10th पास आप होने चाहिए हॉस्पिटल अटेंडेंट। हाउसकीपिंग की बात करें तो केवल 8वीं पास मांगा गया है, ठीक है। तो आप वॉक इन कर सकते हैं सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे, दिन के 2 बजे तक, 31 मई तक लास्ट डेट है, 31 मई तक आपको जाना है। अब ये स्टार्ट हो चुका है, आप कभी भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका अभी तो खैर लॉकडाउन लगा पड़ा, तो 31 मई जो है अभी बहुत दिन बाकी है, तो 31 मई तक इसकी लिमिट है, वॉक इन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए अपने इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।